बेचारी बच्ची कितनी परेशान है और वीर जी फिर भी उसी को समझाए पड़े हैं। ना, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं कुल्फी नू सच बता दूंगी। अरे सर, आइए दो मिनट बात कर लेते हैं आपसे। अरे आइए ना सर, अरे बात करनी, आइए ना, आइए ना, आइए ना, दो मिनट बात करनी, आइए बात करनी है हमको। ठीक है, पता है मैं पढ़ाई कर रही थी, फिर पापा ने बोला आपने अभी बुलाया। बताऊंगी, सब बाद में बताऊंगी, पर अभी तो अपनी आंखें बंद कर और अपने दोनों हाथ आगे ला। करना आंखें बंद, दोनों हाथ आगे ला। अब आंखें खोल। ये तेले लेके आए हैं। सुन, है दोनों, तू उनसे क्यों बात नहीं कर रही? तो मुझे इतना पता है, वो तेले बहुत 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 सॉरी हैं। मैंने पता है मेरी जी, लेकिन मैं क्या करा? मैं मजबूर हूँ। बहुत मजबूर? इतनी मजबूर हूँ कि आपको बता भी नहीं सकती क्यों मजबूर हूँ। ओके फाइन, तू ये मजबूर वजबूर छोड़ और जल्दी से पहले ये यूनिफॉर्म पहन के आ, सबको सरप्राइज देना है ना। फर्जी को इंग्लिश में यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म। यस, वेरी गुड। अब जल्दी से चल के ये पहले सबको सरप्राइज देना है। यूनिफॉर्म का सरप्राइज? नहीं, ठीक से बोल। सरप्राइज। सरप्राइज। ऑसम। सच में कैसी बच्ची है, पल में अपने दुख भूल के सबकी खुशी में शामिल हो जाती है। मैं इसे और दुख नहीं सहने दूंगी रब जी, उसे सच जानने का हक है। तेरे पापा तुझे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तेरी नई किताबें आएंगी, तेरी नई वर्दी भी बनेगी और फिर तुम खूब पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बन जाएगी। तुझसे मैंने देखकर कितने खुश हो जाते हैं मामा। कल मैं स्कूल जाऊं ताकि अपने टेस्ट में पास होके सीधा मामा के पास चिरवाली में चली जाऊं। फिर तुम मुझे बता दोगे ना कि मेरे असली पापा कौन है? कम ऑन कुल्फी, सबको दिखाते हैं। तुझे स्कूल ड्रेस में देख के तेरा और मेरा डैड बहुत खुश हो जाएंगे। चल। ना जी, सबसे पहले मैं किसी और को यूनिफॉर्म दिखाऊंगी। किसे? माँ, एरिक।
तो यह भी नहीं पता होगा कि वर्दी नू यूनिफॉर्म के अंदर। तू खुश तो है ना? तो सरस्वती माँ से मेरी सिफारिश करते ना, उनको कह दे कि मैंने खूब पढ़ाई की है, फिर भी अगर वो थोड़ा सा देख लेंगी ताकि मैं पास हो जाऊँ, कल मैं टेस्ट में पास हो जाऊँगी तभी तो मामा के पास जा पाऊँगी। तो याद से सरस्वती माँ से बात कर लेना माँ। हाय आंटी, आई नो आप मुझे नहीं जानते हैं। आई एम अमायरा, गुलफी ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। सो, मुझे लग रहा है गॉडजी आपके बात जरूर सुनेंगे। आप उनसे बोलना गुलफी जो मांग रही है ना उसे मिल जाए। थैंक्स। ओ गॉड, हेड्स को क्या हो गया? बत्ती गुल। कि शहर में जाती नहीं है, हमारे गांव में आती नहीं है। तू मजे सी। अंधेरे में इतनी जोर से हंस मत, डर लगता है। अब मैंने डर नहीं लग रहा मेरी जी, मैं आपको लेके चलती हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज मैंने भी सोची है। Oh.